दुनिया में पहचान बनाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को फिर से चुनने का अवसर मिला, तीसरी बार आए, मैं उन्हें विशेष बधाई देता हूँ। विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और झूठ बोला। गठबंधन धर्म जो होता है, 25 साल का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का तो बिखरने का इतिहास है। आओ आप बिखर जाओ। बड़े नेता हैं मोदी और अमित शाह जी, नेता साहब बड़ी पार्टी है, कुछ कैसा है वो उनके ऊपर जाता है। मांगने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम लोग इसीलिए NDA के पार्टनर बन के आए थे, ये 7 पार्टी 39 पार्टियों में पार्टी पूरे देश में मछुआरों का नेतृत्व करती है। इनकी आबादी 18% है और इनको पिछली सरकारों ने पूरे 70 साल से उपेक्षित रखा था। कुछ नहीं था, कांग्रेस ने केवल 3,000 करोड़ रुपया पूरे 67 साल में दिया था और मोदी जी ने हमारे आने के बाद 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए। तो ऐसी जो चिंता करते हो मछुआरों की, हर जाति, हर धर्म, हर गरीब किसान नौजवान की, देश की चिंता करते हूँ, एक निषाद के घर जाके चाय पीते हूँ अयोध्या में, उसकी गरीबी देखते हूँ, उसके आयुष्मान भारत कार्ड देते हूँ, जो झगड़ा था हिंदू मुसलमान उसे ख़त्म करते हूँ, भारत को अमन चमन रास्ते पर लाते, दुनिया में एक पहचान बनाते हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री को फिर से चुनने का अवसर मिला, तीसरी बार आए, मैं उन्हें विशेष बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश किसी कारणों से विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और झूठ बोला, तीनों झूठ। पहला तो मोदी जी ने जो सदन में भाषण दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में जो पत्र लिखा था सभी राज्य सरकारों को कि हम कहते हैं 80 के आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, नौकरी में तो और नहीं है आरक्षण का, हम मतलब आरक्षण कहते ही नहीं होना चाहिए। तो पता चला कि वो पत्र पढ़ रहे थे, विपक्षियों ने उसको आरक्षण नहीं देंगे, मोदी उसको काट कर चलाया उस पर बहुत। फिर गैर संवैधानिक ढंग से दक्षिणी भारत में मुसलमानों का आरक्षण दिया गया, उस पर फिर जवाब दिया था माननीय गृह मंत्री ने कि ये गैर संवैधानिक है, इसको हम आएंगे तो ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों के आरक्षण को ख़त्म करेंगे। लेकिन इन लोगों ने उससे नैरेटिव सेट किया कि गृह मंत्री का आधा उधर काट दिया और काट के सुना। तो इस तरीके से लोगों ने प्रपंच से इस तरीके का किया। बाकी कुछ इसको ऐसा नैरेटिव सेट किया कि लोग जो उनको तो कुछ जो हमारे नान जाटो SC कास्ट थे उनमें भ्रम डाला और उसकी वजह से हम लोग समीक्षा होगी, समीक्षा होने पर जो कमी होगी सुधार होगा, आगे जीत होगा। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेल देव राजपन, ये तालमेल मिला के अच्छा बेहतर परिणाम आया है। और ऐसा नहीं है वो कहते पिछड़े चले गए, तो 4-5 लाख वोट मिला है, ऐसा थोड़ी है कि सब अपर कास्ट का, उसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी, हर जाति के लोग हैं। अब यह है कि हम लोग अपने बेहतर कामों को, जो अच्छा काम था उसको कुछ जगहों पर हम समझाने में नाकामयाब हैं, उसकी वजह से हम लोग उसे चिंतित हैं और दुख है। लेकिन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों का गर्व है और फिर भारत फिर जो गठबंधन धर्म जो होता है, 25 साल का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का तो बिखरने का इतिहास है। आओ आप बिखर जाओ और यहाँ आओ तो रह जाओ और लंबे समय तक लोगों की सेवा कर जाओ। तो ये इतिहास रहा है NDA का, अटल बिहारी वाजपेयी ने से शुरू की, मैंने सोची और बता दूँ कि वह लंबा इतिहास रहा है और हम लोगों ने 25 साल मनाया भी था अभी गठबंधन का। तो गठबंधन धर्म रहेगा और लोग रहेंगे, क्योंकि सभी लोग अपने प्रदेश, अपने समाज, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास पुत्र के रूप में मोदी पहचाने जाते हैं। सर, स्पेशल स्टेटस की डिमांड हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज मांग रही है JDU TDP, उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या ऐसा होगा? अग्निवीर को लेकर के भी बातें चल रही थी कि अग्निवीर स्कीम चेंज की जाए, कल JDU का भारत के संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि लोगों को किसी भी तरीके से उसको लोगों को रोजगार के साधन बढ़ाए जाएँ और लोगों को समायोजित किया जाए, तो निश्चित रूप से अगर उससे कुछ हम राजनीतिक नुकसान है तो उस पर विचार होगा। अगर किसी की डिमांड है तो उस पर विचार होता ही होता है। रहा स्पेशल स्टेटस स्टेट का, तो वैसे भी उत्तर प्रदेश बिहार को पिछली सरकारों ने कितना उपेक्षित रखा था, मोदी हैं अब अपने बड़े गार्जियन हैं, बड़ी पार्टी है, अब वो जो भी विचार करेंगे निश्चित रूप से जो उचित होगा वो करेंगे। मांग करना सबका अधिकार बनता है और लेकिन उस पर कितना हो सकता है उस पर समूह में विचार होता है। सर, जो कैबिनेट बन रही है उसमें भी जो अलायंस पार्टनर है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस तरह का बजट चाहिए, सर तो किस तरीके से बनते हुए देख रहे हैं आप? अच्छा बनेगा और सभी लोग हैं, सबका अधिकार बनता है कहने का, सबको लोगों ने वोट दिया है और
सबको लेके चलते भी, आप पिछली कैबिनेट में भी सबको जगह दिया था जो लोग उनके साथ थे, उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों को कैबिनेट में जगह है तो है, और कहना तो सभी लोग कहेंगे लेकिन जो होना होगा उचित होगा। क्या लेकिन बीजेपी डिफेंस होम जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज किसी और अलायंस पार्टनर को दे सकती है? ये वो उनका विषय है, बड़े नेता हैं मोदी और अमित शाह जी, नेता साहब बड़ी पार्टी है, वो कैसा है वो उनके ऊपर जाता है, मांगने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन राजनीति में बड़ी गोपनीयता होती है और विचार विमर्श होकर जो उचित होगा अच्छा होगा वही करेंगे।